हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिडास। एडिडास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग सीखूंगा कुछ इस टाइप के एडिटिंग लाइटर मोबाइल की मदद से। तो इस कमाल की वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देख लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देते रहता हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे फाइनल स्क्रीन पर आ चुका। तो जो पहले लाइट रूम का एप्लीकेशन है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो लाइट रूम अपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है पहले। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो को जो है ऐड करके रखा हुआ है, तो आप भी ऐड कर लेना है आपको। तो सिंपली इसका जो लाइट वाला ऑप्शन है इस पर आ जाएंगे। तो सिंपली लाइट वाला ऑप्शन पर आने के बाद इसका जो एक्सपोजर जो है मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। -30 के आसपास। उसके बाद इसका जो कॉन्ट्रास्ट जो है प्लस कर लेता हूँ। इसका कॉन्ट्रास्ट मैं रखाऊंगा अराउंड 21 तक। और इसका जो हाईलाइट जो है मैं इसको प्लस कर लूँगा 31 के आसपास। और शेडोज जो है उसको करेंगे यहाँ पे इंक्रीज थोड़ा सा 70 तक। और इसका व्हाइट्स माइनस करेंगे 100, व्हाइट्स को बिल्कुल -100। इसका जो ब्लैक्स जो है मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ 12 तक। यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है लाइट का जो करेक्शन है मैंने कर लिया, लाइट का एडजस्टमेंट। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, मिक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो रेड कलर जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा आपका। तो इसका पहले जो ह्यू है माइनस करेंगे -14 तक। इसका सेचुरेशन भी माइनस कर लेना है 28 तक। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करना है जो ऑरेंज कलर है। उसके बाद इसका जो सेचुरेशन है इसको माइनस करना है 30 तक। उसके बाद लेमिनेंस को थोड़ा सा प्लस कर लेना है 18 तक। उसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट कलर -100 को। और जो इसका सिचुएशन जो है इसको रखूँगा 41 के आसपास। मैं इसको 42 कर लेता हूँ 41। उसके बाद सिंपली जो ग्रीन कलर है उसको सिलेक्ट करना है नेक्स्ट कलर। उसके बाद ह्यू को माइनस करेंगे 69 के आसपास। इसका जो सिचुएशन है इसको भी अराउंड 66 के आसपास रखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कलर एक्वा कलर को सिलेक्ट करना है। एक्वा कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ह्यू जो है थोड़ा सा माइनस करना है -4 तक। इसका जो सेचुरेशन है मैं इसको कर लेता हूँ 19 के आसपास। उसके बाद सिंपली ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट कलर। इसका सेचुरेशन -100 और लेमन इसको थोड़ा वगैरह बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 8 तक। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सेचुरेशन 17 के आसपास, 71 के आसपास। उसके बाद इसका भी सिचुएशन -75। उसके बाद सिंपली डन करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर को सिलेक्ट करके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को मैं रखूँगा 20 के आसपास। और इसका वाइब्रेंस मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 38 के आसपास। इसका सिचुएशन भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 8 के आसपास। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इफेक्ट वाले टूल में चले जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे इसका जो टेक्सचर जो है मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ 11 तक। क्लैरिटी को थोड़ा सा कम और यहाँ पे बिगनेट को थोड़ा कम कर लेता हूँ 22 के आसपास। तो ये फ़ोटो देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग बन चुका है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे। तो थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस होने के बाद ये जो फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा आपका, तो और ओके कर लेंगे। तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल वाला आइकन को भी दबा दें। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड दूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल गाइज़।